पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की शुरुआत 27 मार्च से होने जा रही है। इस सिलसिले में एक दूसरे पर नेता निशाना भी साध रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राज्य में मुख्य लड़ाई ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी के सांसद लोकेट चटर्जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला बोला है। लोकेट ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कल्याण बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला विधायक के गाल छूते हुए नजर आ रहे हैं। वही लोकेट चटर्जी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि टीएमसी महिलाओं को सशक्त बना रही है। ये टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और निवर्तमान बांकुरा विधायक हैं, जो कि टिकट नहीं मिलने की वजह से उदास हैं। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं ये भी पता नहीं चल सका है कि घटना किस तारीख की है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए 50% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए हैं। ये पार्टी द्वारा अब तक किसी भी चुनाव में दिए गए टिकटों में सबसे अधिक है। इस बार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके सामने उनके ही पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी हैं। कई सालों तक ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने पिछले साल दिसंबर में ममता बनर्जी की पार्टी का साथ छोड़ते हुए टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने अमित शाह की रैली में बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके चलते नंदीग्राम सीट पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। आपको यहां ये भी बताते चले कि बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के तहत राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल, तीसरे चरण के तहत 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण के तहत 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल, पांचवें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल, छठे चरण के तहत 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल, सातवें चरण के तहत 5 जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल और आठवें चरण के तहत 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल समेत पांचों राज्यों के नतीजों की ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।